हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 47 में से रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक के डिस्कस करेंगे। इसमें रूल 1 कहता है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन। जो पुनर्विलोकन होगा, रिव्यू होगा, उसके लिए एप्लीकेशन। पहली बात तो यहां ये चीज समझने वाली है कि रिव्यू होता क्या है। जो अपील या रिवीजन है वो जिस कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री पारित की उसके ऊपरी कोर्ट में किए जाते हैं, जिसके अधीनस्थ वह कोर्ट है। लेकिन रिव्यू पुनर्विलोकन वो उसी कोर्ट में किया जाता है जिस कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री पारित की है, उसी कोर्ट में किया जाता है। ये चीज इसमें से डिफरेंस है। उसी जज के सामने दोबारा व्यू करने के लिए, दोबारा देखने के लिए दिया जाता है कि जो आदेश किया है उस आदेश पर वह दोबारा एक नजर डाल करके देखे, क्योंकि उस समय उसके पास में न्यू एविडेंस या उस समय जो एविडेंस थे या कोई बात थी वो दाखिल नहीं कर सका था, इसलिए उसको पुनः उस ऑर्डर पर देखे। तो इसमें रूल 1 में कहा गया कि जब कोई कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पारित करता है, उस डिक्री या ऑर्डर के खिलाफ में अपील हो सकती है तो अभी की नहीं गई है, और अपील नहीं हो सकती है तो बात अलग है। तीसरी बात कही कि अगर कोई लघुवाद न्यायालय है और उसने निर्देश के तहत कोई डिसीजन सुनाया है, ऊपरी कोर्ट से निर्देश के तहत कोई डिसीजन सुनाया है, इन तीन बातों के ऑर्डर और डिग्री पर किस कोई व्यक्ति जो ऑर्डर या डिग्री कोई कोर्ट पारित करता है उस पर ऑर्डर पारित करने के समय पक्षकार के पास में जो एविडेंस था वो किसी कारण दाखिल नहीं कर सका, या उस समय उसको प्राप्त नहीं हो सका, या कोई ऐसी बात थी जो उसको कोर्ट को वह उस समय किसी कारण के चलते बता नहीं सका, और तब ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गई, और उस ऑर्डर डिग्री से वह व्यक्ति व्यथित है, तब उस जो उसके पास में एविडेंस या कोई ऐसी नई बात उठती है, तब वह उसी नए एविडेंस और वह बात जो उस समय नहीं कह सका किसी कारणवश, उसको ले करके वह उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए जा सकता है, पुनर्विलोकन के लिए वह आवेदन कर सकता है। अब इसमें एक बात इसका सब क्लास 2 में कहा कि मान लेते कई पक्षकार हैं, और कई पक्षकार में से एक पक्षकार अपील में चला गया और वह व्यक्ति दूसरा रिव्यू के लिए जाता है, तो उसमें से यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति रिव्यू के लिए जा रहा और जो व्यक्ति अपील में गया उसके ग्राउंड सेम होने चाहिए। अगर उसकी ग्राउंड सेम नहीं है तो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके ग्राउंड सेम होना चाहिए। और जो अपोजिट पार्टी है वह पार्टी अपील में इस बात को उठाएगी कि इसका रिव्यू इस व्यक्ति के द्वारा उसी कोर्ट में पेंडिंग है। ये बात रूल 2 में हो गई। अब इसका रूल 1 में हो गया, रूल 2 इसका रिपेल्स कर दिया गया, हटा दिया गया है। रूल 3 इसका कहता है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। रूल इसका 3 कहता है पुनर्विलोकन के आवेदनों का प्रारूप, कैसे आवेदन किए जाएंगे। तो जो अपील का प्रारूप है,
जो अपील का प्रारूप है सेम रिव्यू का प्रारूप होगा, जो अपील का प्रारूप है वही रिव्यू का प्रारूप होगा, और जो अपील में ग्राउंड लिए जाते हैं वही ग्राउंड रिव्यू में भी लिए जाएंगे। रूल 4 इसका कहता है एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। रूल 4 कहता है आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा, तो जब रिव्यू के आधार पर्याप्त नहीं होंगे तब वो नामंजूर कर दिया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, मंजूर कब किया जाएगा, ये तो हो गया कि नामंजूर किया जाएगा, आधार पर्याप्त नहीं है नामंजूर कर दिया जाएगा, मंजूर कब किया जाएगा, जब उसके आधार पर्याप्त हो और कोई नई बात या नया साक्ष्य को ले करके रिव्यू किया गया हो तभी वो मंजूर किया जाएगा, अदरवाइज पुराने ही साक्ष्यों और आधारों पर वह मंजूर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी प्रत्यर्थी है उसको सूचना, उस पर तामीला होना चाहिए, जब उस पर तामीला हो जाएगा तभी रिव्यू पर सुनवाई होगी। रूल 5 इसका कहता है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more जजेस। आवेदन, अब इसका जो रूल 5 है वो कहता है 2 or more न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन। रूल 5 इसका कहता है कि ऐसी कोर्ट में रिव्यू फाइल किया जाना जहां पर 2 or more जज हो वहां पर रिव्यू कैसे फाइल किया जाएगा। तो इसमें पहली बात कही कि जहां पर 1 or more जज हैं वहां पर पुनर्विलोकन सुनने का अधिकार है, लेकिन तब सुना जाएगा जब डिग्री पारित करने वाला या आदेश पारित किया जाने वाला जो कोर्ट है, जो जज है, जिस जज ने उस डिग्री को या आदेश को पारित किया है वही जज के सामने वह रिव्यू प्रस्तुत किया जाएगा, और जब तक कि 6 महीने नहीं हो जाते, जब तक कि 6 महीने नहीं हो जाते तब तक उस आर्डर, उस डिग्री को वही जज सुनेगा जिस जज ने ऑर्डर या डिग्री पारित करी है, अन्य कोई जज उसे सुनने का पावर नहीं रखेगा रिव्यू में। अब इसमें कहा कि अगर वही सुनेगा जिसके सामने वह है, अन्य कोई सुने, अन्य कोई नहीं सुनेगा। अब इसका रूल 6 कहता है एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा, किसमें, जब 2 or more जज हो तब की बात हो रही कि उस स्थिति में आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा। पहली बात तो वही चलेगा कि नया ग्राउंड और नया साक्ष्य, नई बात हो तब। दूसरी बात इसमें कहा गया कि अगर बराबर जजों ने अलग अलग फैसला किया, सपोज करते हैं कि 4 जज हैं या 2 जज हैं, एक ने फैसला एक के पक्ष में किया, दूसरे ने दूसरे पक्ष में फैसला किया, इसका मतलब कि वह रिव्यू खारिज हो जाएगा। अगर बराबर बराबर जजों के द्वारा निर्णय किया गया तो वह नामंजूर माना जाएगा, वह जो है रिव्यू नामंजूर होगा। मंजूर कब होगा, बहुमत के आधार पर होगा। अगर 3 जज हैं, 4 जजों की बेंच है और 3 जजों ने एक पक्ष में फैसला किया, एक ने दूसरे पक्ष में किया, तो वह रिव्यू मंजूर हो जाएगा और उसका आर्डर डिग्री पारित होगी। बराबर होगा तो वो नामंजूर माना जाएगा। अब इसका रूल 7 कहता है ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट एप्लीकेबल।
ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर ग्रांटिंग एप्लीकेशन। रूल 7 कहता है इसका, नामंजूरी का आदेश अपीलीय न होगा आवेदन की मंजूरी के आदेश पर आक्षेप। रूल 7 कहा कि जब रिव्यू का प्रार्थना पत्र दिया गया और वह रिव्यू के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया, तो जो नामंजूर किया है उसकी अपील नहीं होगी। मतलब अब उसकी जो नामंजूर किया है उस नामंजूर की अपील नहीं होगी, और अगर मंजूर किया है उस पर ऑर्डर या डिग्री पारित किया है तो उस ऑर्डर या डिग्री की अपील हो सकती है और उस पर प्रत्यर्थी या अपोजिट पार्टी आक्षेप कर सकता है, वहां पर वो उसका आक्षेप कर सकता है। और अगर आवेदक के अनुपस्थित के कारण आवेदक के जिसने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया और सुनवाई कोर्ट में जारी है उस समय वह आवेदक जिसने एप्लीकेंट जिसने फाइल किया है नहीं उपस्थित हो पाता और रिव्यू खारिज हो जाता है अनुपस्थित के कारण, तो वह पुनः रिस्टोर प्रार्थना पत्र डालता है, तो कोर्ट समझता है अगर उचित ग्राउंड है, वह उपस्थित होने आया था या उपस्थित होना चाहता था, उचित ग्राउंड है तो वह खर्चे पर उसको रिस्टोर कर सकता है और वह उस पर सुनवाई पुनः चालू कर सकता है। अब इसमें एक बात यही कही कि रिव्यू तभी चालू होगा जब प्रत्यर्थी को या अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजी जाएगी और उस नोटिस को अपोजिट पार्टी रिसीव कर लेगा या अपोजिट पार्टी पर रिसीव हो जाएगी तभी उस पर सुनवाई करेगा। रूल 8 इसका कहता है, रजिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ग्रांटेड एंड ऑर्डर फॉर रीहियरिंग। रूल 8 कहता है इसका, मंजूर किए गए आवेदन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश। अब एप्लीकेशन फाइल की गई, एप्लीकेशन फाइल करने पर कोर्ट उसकी हियरिंग की डेट डिसाइड करेगा और उसको रजिस्टर पर दर्ज कर लेगा। हियरिंग की डेट डिसाइड होने पर अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगी और अपोजिट पार्टी को नोटिस जब रिसीव हो जाती है तब दोनों पक्षों को वह सुनवाई करेगा और सुनवाई पर करने पर रिव्यू एडमिट हो जाता है तब उसकी टिप्पणी को रजिस्टर में लिखेगा कि एडमिट हुआ और नंबर डालेगा और फर्दर सुनवाई के लिए उस पर डेट लगा देगा। इस बात को रूल 8 ने कहा। रूल 8-9 कहता है इसका, बार ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन। रूल 9 कहता है, कुछ आवेदनों का वर्जन। अगर रिव्यू एप्लीकेशन पर ऑर्डर या डिग्री जो रिव्यू एप्लीकेशन हुई रिव्यू एप्लीकेशन पर कोई कोर्ट वही कोर्ट ऑर्डर पारित कर देता है या डिग्री पारित कर देता है रिव्यू एप्लीकेशन पर, तो अब यह नहीं कि उस ऑर्डर या डिग्री का फिर से रिव्यू किया जाए। मतलब रिव्यू पर जो ऑर्डर या डिग्री होगा उसका फिर से रिव्यू नहीं किया जा सकता, वह फिर से रिव्यू प्रार्थना पत्र ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ऑर्डर 47 पुनर्विलोकन रिव्यू उसी कोर्ट में उसके ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ में कर सकते हैं, और अगर कब करेंगे जब नया ग्राउंड नया साक्ष या उस समय वह चीज रह गई होगी तब उसको कोर्ट को दाखिल करते हुए एप्लीकेशन दी जाएगी। तो अभी रूल 9 ऑर्डर 47 के समझ में आ गए होंगे। अभी सीपीसी का ऑर्डर 48 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।